आतंकी टॉर्चर कर रहे हैं, आतंकवादी से भी ज्यादा, ऐसे हिटलर भी नहीं किया होगा। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे और कांग्रेस से, क्या ये लोक तरीका है? क्या ये वे है जांच का? आज पड़ोसी के घर में आग लगी है, कल आपके घर में भी लगेगा। महाभारत का जंग का ऐलान कर देना चाहिए ईडी सीबीआई इन लोगों के खिलाफ। यदि हम गलत है तो हमको अरेस्ट करके भीतर करें, हम कोर्ट से समझेंगे, लेकिन तंग करना बंद करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर ईडी की बढ़ती दबिश को लेकर देखिए, अब जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि आप कोर्ट में पेश कीजिए ना, कोर्ट तक ले जाइए, उनका मन होगा वो बेल लेंगे। जैसी बातें निकल के आएंगी, जो आरोप होंगे, और इतने साल हो गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री रहते हुए, इतना पुराना मामला है। लेकिन बिहार में जब महागठबंधन बन गया है, उसके बाद बीजेपी को परेशानी हो रही है, बीजेपी को तकलीफ हो रही है। पप्पू यादव ने चिल्ला चिल्ला कर तेजस्वी यादव का समर्थन तो किया ही है, वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ईडी सीबीआई पर खूब कटाक्ष किया है। क्या कुछ कह रहे थे जरा सुनिए। पैसा पकड़ा रहा बेंगलोर से लेके सब जगह, क्या बीजेपी और बीजेपी के साथ रहने वाली जो पार्टी है, क्या सब लोग दूध के धुले हैं? बोफोर्स से भी बड़े बड़े घोटाले इन लोगों पर आरोप लगी है। जमीन के बदली में या शराब कश्यप या जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को आप सम्मान कर रहे हैं, आप करिए, आप चार्जशीट करिए और कोर्ट पे छोड़ दीजिए। कोर्ट को तय करने दीजिए। आप 8 साल 9 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी को, और ये घटना 9 साल पहले 15-17 साल पहले की घटना है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। तो 9 साल में आप चार्जशीट क्यों नहीं दे पाए? आप बार्गेनिंग कर रहे थे, आप अभी भी डरा रहे हैं कि नीतीश का साथ छोड़ो। तेलंगाना का मुख्यमंत्री को कह रहा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तुम नहीं हो सकते हो, नहीं तो बेटी को जेल भेज देंगे। अभी भी आप एक साथ मेरा यह सवाल नहीं है कि गलती नहीं किया पप्पू यादव ने, मेरा यह सवाल है कि आपके तरीके गलत हैं। आप इस्तेमाल करते हैं सीबीआई ईडी आईबी को राजनीतिक सत्ता के लिए, और जब चुनाव नजदीक आता है तब ईडी सीबीआई आईटी आईबी तेज हो जाता है। चुनाव के 4 साल पहले तक ये लोग सोए रहते हैं। जब गठबंधन इन लोगों का हो गया, जब तक गठबंधन नहीं हुआ तब तक चार्जशीट नहीं दिया। आपका गुप्त समझौता था पार्टियों से तो करते, लेकिन गठबंधन होते ही आपका गुप्त समझौता और दोस्ती टूट गई। लव मैरिज टूट गया आपका, और अब आप डरा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। कोर्ट से कहिए कि ये गलती है, गिल्टी है, हमको वारंट दिया जाए, तो फिर या तो कोर्ट में या सरेंडर करेंगे या तो बेल लेंगे। आप तो आतंकी टॉर्चर कर रहे हैं, आतंकवादी से भी ज्यादा, ऐसे हिटलर भी नहीं किया होगा, कोई मीनिंग है ये? ठीक है, मैं मान लिया सबने चोरी की, कहीं सिसोदिया, कहीं कोई बिहार, कोई कहीं बंगाल। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे और कांग्रेस से, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, मरता क्या नहीं करता,
आज पड़ोसी के घर में आग लगी है, कल आपके घर में भी लगेगा। महाभारत का जंग का ऐलान कर देना चाहिए ईडी सीबीआई इन लोगों के खिलाफ। एक तरफ कोर्ट का शरण लें और डेमोक्रेसी में हमें जितनी ताकत मिली है उसका इस्तेमाल करें। घर में बैठकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की जितनी एजेंसी है, घेरा डालो डेरा डालो, उसको घेरने की जरूरत है, जवाब देने की जरूरत है। ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव। क्या ये लोक तरीका है? क्या ये वे है जांच का जो साउथ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी आप कर रहे हैं? और हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए कि अभी तक आप कहां थे, क्या परिस्थितियां आई इतने दिनों के बाद। यदि हम गलत है तो हमको अरेस्ट करके भीतर करें, हम कोर्ट से समझेंगे, लेकिन तंग करना बंद करिए, डराना बंद करिए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें सामने रखी हैं, आपने सुना है। देखना यह है कि लालू परिवार पर बढ़ती मुसीबतें क्या कम होंगी। एक तरफ जहां उनकी धर्मपत्नी, हम बात तेजस्वी यादव की कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी जो गर्भवती हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कल लगभग 15 से 17 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। उसके बाद अब जब कोर्ट ने समन भेजा है, सीबीआई ने समन भेजा है, तो परेशानियां बढ़ रही हैं। क्या ये परेशानियां कम होंगी? पप्पू यादव ने क्या कहा, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।